हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एसेंजर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट्स जो कि आप लोग के क्वेश्चंस थे, पूरे सॉल्व करने वाला हूँ रिगार्डिंग द बर्थडे मेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल। और बर्थडे अगर आप लोगों के पास में मेल आया हुआ है तो बहुत से लोगों के पास में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, और जो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जिससे बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ, कि बर्थडे मेल अगर आया है आप लोगों के पास में तो आपका सिलेक्शन पक्का है या फिर रिजेक्शन है। तो मैंने बोला था जो अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए बर्थडे मेल के रिगार्डिंग की मीन्स उसका क्या है और क्यों मेल आप लोगों के पास में आ रहा है। इवनली बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास में उनका उनके इंटरव्यू भी नहीं हुए हैं, तो उनके पास भी बर्थडे मेल के बारे मेल आ रहा है। और इवनली जिसके इंटरव्यू हो चुके हैं और इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, जो मई 14 के पीए डीए रोल के और ऐसे ऐसे रोल के कैंडिडेट थे, इवनली 17 मे के कैंडिडेटों के पास में भी स्टडी रिसीव्ड हुआ है, तो मेल तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को गाइस, प्लीज प्लीज, और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखा हुआ, जहाँ पे आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस, बर्थडे मेल को मैं 3 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें हर एक क्वेरी सॉल्व करूंगा हर एक कैंडिडेटों की, जितने भी कैंडिडेटों ने अपने इंटरव्यू किए दिए थे या फिर वो वेट कर रहे हैं या मई या जून के कैंडिडेट हैं, सबकी क्वेरी बताऊंगा। तो गाइस हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बर्थडे मेल का मतलब क्या है। तो गाइस, बर्थडे मेल का मतलब ये है कि जब भी अब आपने एसेंचर में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, आप लोग जो फुल प्रोसेस थी एज अ रजिस्ट्रेशन असेसमेंट हुआ था, अपना कम्युनिकेशन राउंड हुआ था, फिर उसके बाद में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, तो कुछ कैंडिडेट थे जिनके पास में बर्थडे मेल अभी रिसीव्ड हुआ है यस्टरडे, जो 13th मई के कैंडिडेट हैं, पीएडी के कैंडिडेट हैं, जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे 14th के, उनके पास में बर्थडे मेल क्रिएट मतलब मेल आया हुआ है। तो बहुत सारा क्योर्स फैला हुआ है कि सर बर्थडे मेल है तो मेरा सिलेक्शन है रिजेक्शन है। तो गाइस, मैं आप लोगों की क्लियर कर रहा हूँ कि गाइस, अगर आप लोग के पास में अगर आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, आप लोग का इंटरव्यू अच्छा प्रोसेस हुआ, उसके बाद में आप लोग के पास में कोई रिजेक्शन मेल नहीं आया है, अगर बर्थडे मेल आया है जो कि प्रोफाइल क्रिएशन का है, आप लोगों को एक रीएक्टिवेशन लिंक दी गई है प्रॉपर टाइम के साथ में, आप लोगों ने मैंशन देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था वहां पर कि आप लोगों को 28 जून तक रीएक्टिवेशन लिंक है, फिर उसके बाद में ब्लैकआउट पीरियड आ जाएगा जिसमें आप लोगों को मतलब उसके टाइम पे आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसेस है, आप लोग मतलब उस सिलेक्शन प्रोसेस में आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं अगर आप लोगों के पास में बर्थडे मेल आया है जिनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था उनके पास भी बर्थडे मेल आया है। तो गाइस, उनके पास में बर्थडे मेल इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन किया था और उन्होंने असेसमेंट दिया था, तो वहां पे उन्होंने कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन है जो गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल की थी और कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने सही से नहीं फिल की थी, इसलिए उनको अपडेट करने के लिए, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आया है। तो जो रिक्रिएशन के लिए जो भी रिसेंटली वर्कडे मेल आया है, वहां पे उन्होंने ये सॉल्व करने की कोशिश की है कंपनी ने कि वो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए अपना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन स्टेटस एसेस देखते रहे, जिस वजह से कैंडिडेटों को कन्फर्मेशन मिलती रहेगी कि उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल आने वाले हैं या कुछ भी आने वाला है, तो वहां पर वह हमारा बर्थडे मेल। ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये डिस्कस होने वाला है बर्थडे मेल के रिगार्डिंग, कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको बोल रहे हैं कि सर हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस के मेल आए हैं या बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी के मेल आए हैं। तो गाइस, वो भी मेल ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों के पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया है तो और ही 100% आप लोगों का कन्फर्मेशन हो चुका है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो गाइस, क्योंकि अगर बर्थडे मेल आप लोग के पास आया है तो ये मान लीजिए कि आपके 20-30% चांस आप लोग के सिलेक्शन के हैं। अगर आप लोग के पास बर्थडे मेल के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपडेशन के मेल आया हुआ है तो आपका 100% कन्फर्मेशन है, क्योंकि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं होते हैं तो आपकी 100% कन्फर्मेशन है। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी और कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आप लोगों को एप्लीकेशन स्टेटस या मतलब आप लोगों की जो बर्थडे प्रोफाइल है वहाँ पर आप लोगों को अपडेटेड करते रहेंगे, ईमेली व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट रहेंगे आप लोगों से, और आप लोग अपने पर डे ईमेल चेक करते रहिएगा जहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। तो गाइस, ये डाउट थे जितने भी हमारे कैंडिडेटों के, मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर बर्थडे मेल हमारे पास आया नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊं, जिससे गाइस आप लोग शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे बहुत सारे लोगों को शेयर करिएगा, और टेलीग्राम पर जो मेरी लिंक है उनको भी शेयर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं फेस टू फेस आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, वहाँ पर आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूंगा वन बाई वन, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। जितने भी इंटरव्यू की कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं उनकी अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेक्निकल राजपूत ब्लॉग पे मिलेगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट करिए। जय जवान जय किसान।